लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पद्मपत्र निवेक्षण वंदे पद्ममुखी देवी पद्मनाभ प्रियामहं पद्मालय। सम्मान से सर झुके रहे उज्जैन के साम्राज्य पालक महाराजा धीराज राजा विजय सेन पधार रहे हैं। उज्जैन की राजमाता महारानी सुरूपा देवी और राजकुमारी इंदुमती पधार रही हैं। महाराज महामंत्री जो आज्ञा महाराज। उज्जैन के वासियों उज्जैन के पुराने रस्मों रिवाज के अनुसार हर साल की तरह आज भी विजयदशमी के अवसर पर इस भरी सभा में महाराज और जनता के समक्ष वीरता और बहादुरी का मुकाबला होगा और अपनी बहादुरी का लोहा बनवाने वाले वीर को राजकुमारी इंदुमती अपने हाथों से पुरस्कार पेश करेंगी। मुकाबला शुरू किया जाए। संसार मुझे शक्ति और ताकत का सागर कहता है। मेरी रगों में खून की जगह पिघलता हुआ पोलाद दौड़ रहा है। आज तक कोई माई का लाल जरा सी देर के लिए भी मेरा मुकाबला न कर सका। सुना है कि आपका राज्य उज्जैन सूरमाओं का जन्म स्थान है, तो है यहां कोई ऐसा सूरमा ऐसा कोई माई का लाल जो मुझसे टकराने का साहस दिखा सके? यह राज्यसभा में सन्नाटा कैसे छा गया? क्या उज्जैन डर गया? यहां के सूरमाओं ने मुग्ध फेंक कर चूड़ियां पहन ली। हम जाए लड़ने के लिए आसमान फट जाएगा। रुक जाओ भीकरमल, रुक जाओ। बलियों के बलवान श्री विश्वनाथ चंचल पहलवान तुम्हें थाड़ने आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं राजबंधु? खामोश। अगर हमने इसकी गर्दन को ककड़ी की तरह काट कर किले की दीवारों पर न टांग दिया तो हमें चंचल नहीं खटमल कहना। राजबंधु उसकी आंखों में यमराज मौत का लाश नाच रहे हैं, उसके बाजुओं में मौत अंगड़ाइयां ले रही है। आप अपनी तलवार वापस अंदर रख दी। चलिए मेरी जीत का ऐलान करके मेरी बहादुरी का पुरस्कार मुझे दिलवाइए। ताकत पर घमंड मत कर, क्योंकि जिस ताकत को घमंड का रंग लग जाता है उसे बहुत जल्दी मौत का जंग लग जाता है। भगवान ने ये बाजू और ताकत अहंकार करने के लिए नहीं बल्कि कमजोर निर्बल और मुस्लिमों को सहारा देने के लिए बनाया। इस सर को गरूर से इतना ऊंचा मत कर कि टूट कर जमीन की ठोकरों में गिर जाए। उज्जैन के सुरमाओं को मत ललकार, वरना इंसान तो एक तरफ यहाँ के पंछी परिंदे ही अपने पंजों से तेरी गर्दन को कुचल कर रख देंगे। तू भी किसी परिंदे से कम थोड़े ही है बालक। तू ही आजा, देखे तेरे पंजे के नाखूनों में कितना जोर है।
रामू आया। रामू, रामू, मेरा बेटा कब तक अपनी बूढ़ी माँ को तड़ पाएगा? आज कितने दिनों की बात लौटा है। मैं तो तुझे इस जन्म में फिर से देखने की आशा ही खो बैठी थी। हाँ, आशा ही खो बैठी थी। अरे कैसी बात करती है माँ, मुझे जोशी ने कहा था कि मेरी माँ के नजदीक यमराज आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ के भाग्य में अपने पोतों के साथ खेलने लिखा है। चलकर हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोसती हूँ। न जाने कितने दिनों से भूखा होगा।
का फव्वारा, सर्दी में प्यारा लगे जलता अंगारा। उज्जैन की राजकुमारी और सुंदरता की महारानी को एक प्रेम के भिखारी का प्यार भरा नमस्कार। हमने तुम्हें बहादुर समझा था, मगर तुम चोर भी हो क्या?
राजकुमारी जी, सच बोलूं या झूठ बोलूं? दोनों में से एक भी नहीं। सच क्या है, झूठ क्या है, हम बताते हैं। सच यह है कि राजमहल की स्त्रियां जब स्नान कर रही थी तो तुम चोरों की तरह छुप कर यहाँ आए। लेकिन झूठ यह है कि अगर तुम कहो कि इस गुस्ताखी की सजा क्या है, वो तुम्हें मालूम नहीं। जानता हूँ राजकुमारी। सजा की सकते जानते हुए भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत की? हिम्मत तो उज्जैन की हवा में है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। वाह, ये बोलता भी अच्छा है। खामोश। ठीक है, आज हम तुम्हें माफ कर देते हैं, मगर दोबारा यहाँ आने की गुस्ताखी मत करना, वरना सजा भुगते बिना यहाँ से जा नहीं सकोगी। नलिनी, नलिनी। रामू महाराज। क्या है? चलो तू चल, मैं आता हूँ। अरे मेरे बाप, क्यों जानबूझ के फांसी के फंदे में घुस रहे हो? उसका गुस्सा नहीं देखा? अरे वो गुस्सा नहीं, प्रेम है। ओ, जिस तरह बाहर आने से पहले पतझड़ आता है, उसी तरह प्रेम आने से पहले चेहरे पर गुस्सा आता है। कौन है बे? मुसाफिर हूँ प्रभु, गीतापुर से आया हूँ। गीतापुर से आया है, सीतापुर से क्यों नहीं आया? तो शहर के अंदर आया है, सीमा पार करके आसमान फट गया, तुझे इसका कर देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। दंड? दंड? वो किस लिए? ये है नया आदमी होकर बहस करता हमारे साथ है? हाँ? तुझे इसका वो मैं क्या महसूल मैं देना पड़ेगा। महसूल मैं नहीं दे सकता, मैं वापस चले जाता हूँ। तुम्हें तो वापस जाने का कर देना पड़ेगा। यहाँ आने का भी कर होता है, जाने का भी कर होता है, हर चीज पे कर लगा हुआ है। उठने का कर, बैठने का कर, लेटने का कर, सोने का कर, तुमने कुछ किया उसका कर, नहीं किया उसका कर, समझे? जल्दी से फैसला कर लो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो आसमान फट जाएगा। मेरे पास धन नहीं है। धन नहीं है? धन नहीं है इसका मतलब है ये दरिद्र है, इसे दरिद्रता का कर देना पड़ेगा। दो। बाप रे बाप, ये क्या जुल्म है, मुझे छोड़ दीजिए। आई, तुम्हारा उपवस्त्र अति मनमोहक है, अर्थात तुम्हारा ये ऊपर का कपड़ा बहुत सुंदर है, कर के अवज में हम इसे जब्त कर लेते हैं। कर ले। ये क्या, उसने पे चेहरा क्यों फिरवा रहा है? दाढ़ी बनवा रहा हूँ प्रभु। दाढ़ी बनवा रहा है यानी बाल कटवा रहा है, यानी आसमान फटवा रहा है, भगवान के दिए हुए बालों का खंडन कर रहा है, तुझे इसका कर भरना पड़ेगा। कौन सा महीना? नवा। सिपाहियों कर वसूल करो। कैसी रही? क्या कहने? छोड़ दीजिए मुझे। क्या उज्जैन की धरती पर अन्याय और अनीति के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई बहादुर नहीं है? कौन है बे? तू, तेरी इतनी हिम्मत, अबे गर्दन काट के हाथ में रख दूंगा, घर तक रोता हुआ जाएगा। पहले अपने सर की रक्षा के बारे में सोच। भैंसे। कौन से? भैंसे। क्या कहा? ठीक कह रहा हूँ, राजबंधुओं का गलत फायदा उठाकर लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, जनता का अपमान करके राजा और राजधानी की बेइज्जती कर रहे हैं। चलिकाल जो पैसे कर के नाम पर इकट्ठा किए हैं, हमको हुक्म देता है, सिपाहियों देखते क्या हो, खबर ले लो इन दोनों की। राजबंधु आप। हम जाकर जरा अपनी तलवार को धार लगाकर मैदान जंग में उतरेंगे। हट, उठ, उठ, हट, इसको धार लगाओ, धार। Thank you.
छोटी है, जरा बड़ी हो जाए फिर हम लड़ेंगे। एक दो तीन। महाराज आप हंस रहे हैं और साथ में इसकी भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, आज ये भी हम पर हंस रही है। हाँ हाँ क्यों ना हो, मैं तो इसकी सौतेली माँ हूं ना और आपकी दूसरी पत्नी, इसलिए आपकी दृष्टि में मेरी कोई इज्जत नहीं है। अगर मैं इसकी अपनी माँ होती तो ये इस तरह मेरे सामने अपमानजनक रवैये से कभी पेश नहीं आती। माँ रानी हजार बार कहा है कि ऐसी बातें अपनी बेहूदा जबान पर मत लाया करो। देखो वो जो अपने बागीचे में बुढ़िया रहती है उसके दोनों हाथ पीछे बांध कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। बुढ़िया नहीं, उसका बेटा रामू और साथी हनुमान। हम भी तो यही कह रहे थे। क्या कह रहे? रामू हनुमान। हाँ रामू और हनुमान दोनों को पकड़ कर ले आओ। मुझे क्या चंचल समझ रखा है प्यारे, जो मार मार के रुला दोगे। ये मानो का मान हनुमान है प्यारे। ये बात है, यही बात है तो संभाल। अब देखता हूँ तुझे। अरे मारिए माँ। हाँ पहले अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी का बहाना कर रहा था, अब माँ का बहाना कर रहा है। माँ की कसम मारिए यार। तो लाख कसमें खा, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। ये क्या हो रहा है? फिर उल्लड़बाजी, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अरे माँ ऐसा क्या करती है, कान उखड़ जाएगा। चल अंदर, ये तुम लोगों के खेलने कूदने की उम्र है क्या? ये शैतान, तू भी चल अंदर, राजकुमारी के आने का समय हो गया। वो देखो पकड़ लो इन दोनों को। अरे अरे ये क्या, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? इसका पता राजमहल जाने के बाद चलेगा। राजमहल? डरो मत चाची, शायद राजमहल में भोजन के लिए बुलाया है। हम लोग अभी गए और अभी आए। चलो भाई, चलो भाई, चलो जलपान खाएंगे। नमस्कार। महाराज के सामने सीना फुलाए अकड़ के खड़े हो, इस सीने में बगावत की बदबूदार हवा भरी है। सीना सुकेड़ो, सर को झुकाओ और अदब से खड़े रहो। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया हा? जिसके लिए मुझे सर झुकाकर खड़ा होना। नहीं देखा आपने कैसे फटे हुए आसमान की तरह दीदे फाड़ फाड़ कर आपको उत्तर दे रहा है। आप इसकी एक मत सुनिए, सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि इसकी आंखों में उंगलियां डाल दे और इसकी आंखों की गोटियां बाहर निकाल दे। हलचल। नहीं नहीं चंचल चंचल। अरे तुम जो कुछ भी हो खामोश रहो। हाँ तो युवक तुम उज्जैन वासियों से सड़कों पर कर वसूल करते फिर रहे थे। कर? ये क्या कर वसूल करेंगे, कर तो हम वसूल करेंगे। देख लिया कैसे होठ फाड़ के दांत दिखा रहा है। महाराज आप एक काम कीजिए, सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि इसके मुंह के अंदर जूतों समेत घुस जाए, इसके दांत उखाड़े बाहर निकाले और आपके कदमों में बिखेर दे। बीरबल। सीधा हलचल से बीरबल। हाँ, हाँ, वो बागीचे में जो नौजवान है उसका क्या नाम है? रामू। रामू तुम्हारा क्या लगता है? ओफो महाराज, उज्जैन की रियासत का क्या होगा, ये रामू का क्या लगेगा, खुद ही तो रामू है। अच्छा तो ये रामू है। हाँ तो युवक जल्दी बताओ तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? महाराज मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? हमारी नजरों में झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। वैसे हम कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन झूठे को सजा देना नहीं भूलते, और झूठ बोलने की सजा बहुत कड़ी होती है। इसलिए युवक सोच समझ कर जवाब दो। तो फिर सच ये है महाराज कि आपका भतीजा चंचल अपनी पदवी और आपके रिश्ते का नाजायज फायदा उठा रहा है। उसने उज्जैन वासियों पर राजते गरीबों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर जुन ढाने शुरू कर दिए, औरतों का अपमान शुरू कर दिया। हम हैं झूठ, जबान बंद रखो। महाराज ये उज्जैन की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला रहा था, राज्य को कलंकित कर रहा था, मुझसे देखा नहीं गया इसलिए मजबूर होकर मैंने इसकी पिटाई कर डाली। ये पर नोचा तोता हम जैसे मोर की पिटाई क्या करेगा, कसम नजाकत की हम जैसे सही सलामत गए थे वैसे ही सही सलामत लौटे हैं, हमारा एक बाल भी बाका नहीं हुआ देख लो। वो तो आपकी बातों से जाहिर हो रहा है, वैसे आप जब मार खा के अपने कपड़े फटवा के दुम दबा के भाग रहे थे तो आपके महान सर से आपका महान रेशमी मुकुट गिर गया था। महाराज ये हमारा नहीं है, ये हमारे घोड़े के सर पे था। रानी महारानी ये हम सब क्या सुन रहे हैं? नीति और अनीति, धर्म अधर्म, जुल्म और इंसाफ की रखवाली करना हमारा काम है। अगर न्याय के नाम पर तुम लोगों पर कोई जुल्म करता है तो उसकी आकर हमको खबर दो,
राजनीति और इंसाफ को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपराध है। जी रामू, आइंदा तुम एक सज्जन शहरी की तरह जीवन बिताओगे, हम तुमसे यही आशा रखते हैं। महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। ठीक है, छोड़ दो इन दोनों को। नमस्कार। ओ, अब समझा, मतलब ये है कि हमारे गरीबी के महाराज महलों की राजकुमारी की राह देख रहे हैं। क्या कर रहा है? बैठ जा। वहाँ राजकुमारी बैठेगी। ठीक है भाई, आप बैठ जाता हूँ। अबे वहाँ मैं बैठूंगा। है? मतलब के राजकुमारी के बाजू में? हाँ, अब तुम मान या ना मान, लेकिन ये सच है अनुमान कि हम राजकुमारी से विवाह करने वाले। आहिस्ता बोल, यहाँ के पेड़ों के पत्तों के भी कान है। मैं उन्हीं कानों को सुनाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्त। रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, हर घड़ी राजकुमारी का ख्याल दिल की वादियों में गूंजता रहता है। मगर कौन जाने ये आग सिर्फ यहीं लगी है या वहां भी। ए, ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमारी आ रही है, भागो यहाँ से, भागो। जल्दी से निकल चलो यार, इससे पहले कि हार की जगह जूतों की मार पड़े। निकल चलो, निकल। अरे चलो। नहीं मेरे दोस्त, आज तो फैसला करके आया हूँ, या तो जीत जाऊंगा या सीधे शमशान जाऊंगा। वाह, देखा, इसे कहते हैं प्रेम। लगता है तुम्हारे मन की खोली में प्रेम चाहता ने अभी तक प्रवेश ही नहीं किया। क्या ख्याल है, कुछ कोशिश की जाए? अरे
जब तक सागर में है मोती चाहेंगे हम तुझे मेहमान नजर की बन जा एक रात के लिए मैं जन्मों से तरसा हूँ तेरे साथ के लिए एक रात के लिए मैं जन्मों से तरसा हूँ तेरे साथ के लिए सुन प्रिया ताना री री सुन प्रिया तूने प्यार मेरा स्वीकार किया मुझ पर ये बड़ा उपकार किया तेरा दिल से शुक्रिया राजकुमारी तुम क्या जानो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है कितनी तड़प है मैंने अपने दिल का संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए कितने रास्ते ढूंढे मैंने फूलों से विनती की कि जब तुम बाग में आओ तो वो खुशबू की भाषा में मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुंचा दे बोलो राजकुमारी मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुंची या नहीं पहुंची जवाब दो राजकुमारी रामू रामू कहाँ हो तुम मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास अरे ये क्या बोल चलूल बकरी हूँ नलिनी की जगह किसको बुला रही हूँ नलिनी नलिनी जी राजकुमारी जी ये कौन है बेचारा कोई भिखारी जान पड़ता है बिल्कुल ठीक मैं प्रेम का भिखारी हूँ ये सो रहा है या जाग रहा है मेरा शरीर सो रहा है लेकिन मेरा दिल जाग रहा है इसे अभी और इसे बाहर निकालो जी जी राजकुमार जी ये लो नलिनी इसे नहीं ओ फिर किससे फूलों की लड़ी से मारो आज मैं कहाँ हूँ अरे राजकुमारी जी आप आइए बैठिए ना तुम यहाँ आए कैसे राजकुमारी जी मैं सच बोलूँ या झूठ बोलूँ चालाकी मत दिखाओ सच बोलो राजकुमारी जी ये फूल जिसकी खुशबू से ये सारा बाग महक रहा है मैं आपको सीट देना चाहता हूँ इसीलिए आया हूँ मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आप
अपनी मर्यादा में रहो और उसे पार करने की कभी कोशिश मत करना। रामू, रामू, मैं समझती थी जैसे जैसे तू बड़ा होता जाएगा सुधरता जाएगा, मगर तू है कि बिगड़ता ही जा रहा है। बोल यहाँ तू क्या करने आया था, बोल यहाँ तू क्या करने आया था। राजकुमारी जी, अब इसे क्षमा कर देना, अगर इससे कोई गलती हो गई हो तो नादान समझकर माफ कर देना। हे भगवान, मैंने तुझसे एक बेटा मांगा था मगर तूने राक्षस दे दिया। चुप रह। हाय राम, इन दोनों को कब अकल आएगी। चलो चलो घर चलो चलो। अरे ये शर्माई हुई दुल्हन कौन आ रही है? नहीं, नहीं, क्यों आप हमारी मर्दानगी का आसमान फाड़ने पे तुले हुए हैं? पुप्पा जी, हम दुल्हन नहीं दुल्हा है। ओ, हाँ हाँ, अपना हलचल। नहीं, नहीं, महाराज जी, हलचल नहीं, चंचल चंचल चंचल। हाँ, एक ही बात है। अरे तुम्हारा विवाह तो अभी हुआ नहीं, फिर तुम दुल्हा कैसे बन गए? दिन ब दिन आप भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अपनी पूरी याददाश्त गंवा बैठे, इसका विवाह करवा दीजिए। हाँ, विवाह इसका जरूर करवा देंगे, लेकिन तुमने ये बताया नहीं कि इसके बच्चे कितने हैं। बताइए, मैं विवाह की बात करने आई हूँ और आप इसके संतान के बारे में पूछ रहे हैं। बिना विवाह के बच्चे कहाँ से हो सकते हैं? इसके शरीर को देख कर कोई कह सकता है कि ये कुंवारा है? अरे दिखने में लगता है कि 100 बच्चों का बाप है, और इसने वो सारे बच्चे अपने कपड़ों के नीचे अपने शरीर से चिपका रखे हैं। कह कहा किस लिए? ये कह कहा नहीं, ये तो हमारी प्रेम भरी मुस्कान थी। हम तो समझे कि बिजली गिर पड़े। मजाक बहुत हो गया, आज हम लोग विवाह की बात पक्की ही कर लेते हैं। मैं अपने भतीजे की तरफ से बात करती हूँ, आप अपनी बेटी की तरफ से बात कीजिए। अवश्य करेंगे, लेकिन पहले हम बेटी से पूछ लें कि उसके मन में क्या है। राजकुमारी के मन में, उनके मन में तो हम ही बसे हैं। आसमान फाड़ के वो हमारे प्रेम में पागल है। पिताजी, लीजिए, इंदुमती भी आ गई, इसी से पूछ लीजिए ना। हाँ इंदु, हमें एक बात का जवाब अभी चाहिए। तुम्हारी माँ अपने भतीजे के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहती है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? पिताजी, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि वो मर्द कैसा होना चाहिए जो उज्जैन की राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने के सपने देखता हो। वीर और शूर, बहादुर, सूरमा, ये सारी खूबियां तो हम में पैदा होने से पहले ही आ गई थी। और आगे कहिए पिताजी। विक्रमादित्य से बढ़कर साहस वाला होना। साहस? विक्रमादित्य ने क्या साहस दिखाए होंगे, जितने साहस के आसमान हम हार चुके हैं। ए, बुबो, तलवार, तलवार। हिम्मत तो देख ली, अब बुद्धि की जांच हो जाए। बुद्धि? हम में इतनी बुद्धि है कि जब बुद्धि हमारे सामने आती है तो बुद्धि बुद्धू बन जाती है। अकल का एक समंदर हमारे घुटनों में फुदक रहा है। फुदक 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 फुदक। पूछिए, क्या पूछना है, पूछिए। पूछो पूछो। एक बिल्ली है, बिल्ली के आगे 2 बिल्लियां हैं, बिल्ली के पीछे 2 बिल्लियां हैं, 2 बिल्लियों के बीच में 1 बिल्ली है। बोलो कितनी बिल्लियां हैं? वो 2 बिल्ली। अब हम यहाँ विवाह की बात करने आए थे, बिल्लियों की नहीं। पीछे वाली हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश मत कीजिए। चलो चंचल हमारे साथ। वाली बिल्ली के मुंह में 3.5-5-7 नहीं 8 बाद में बताएंगे। इंदु, 3। तुम्हारी वजह से आज मेरा कितना अपमान हुआ है। एक तो तुम महाराज की दूसरी पत्नी के भतीजे हो, उसी कारण वो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, और दूसरा तुम्हारी बेवकूफी के कारण। पुप्पो, आप नाराज मत हो। पुप्पो, आप नाराज हो जाते तो हमारे दिल का आसमान पड़ जाता है। अब आप ही बताओ हम क्या करें। पुप्पो, ओहो, तुम इंदु के पीछे बुरी तरह से पड़ जाओ। वो जहाँ जाए उसके पीछे पीछे जाओ, कदम कदम पर अपना प्यार प्रकट करो, और उस वक्त तक करते रहो जब तक कि वो मजबूर होकर, झल्ला कर, परेशान होकर तुम्हारा प्यार नहीं स्वीकार कर लेती। नलिनी,
नलिनी, नलिनी, राजकुमारी, राजकुमारी जी, क्या बात है राजकुमारी जी? तो यहाँ क्या कर रही है? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? चल शरीर कहे के। साहब, अरे गला नीचे कर। क्या बोला? राजकुमारी। ए। नलिनी, आज यहाँ बगिया में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? कल जिस बुरी तरह से आपने उन्हें डांटा, उस डर से वो तो वो यहाँ के पक्षी भी घोंसले छोड़कर उड़ गए हैं। इंदुमती, इंदुमती, कहाँ हो, कहाँ हो? ऐ कसम नजाकत की तुम यहाँ हो? ऐ नलिनी, जब हम यहाँ आ गए हैं तुम्हारे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? क्योंकि जितनी सेवा तुम कर सकती हो उतनी सेवा मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी कर सकता हूँ। नलिनी, तुम जाओ बगिया के किसी कोने में जाकर किसी बुलबुल के साथ खेलो, जाओ। इंदु माती। सुबह से शाम तक इसे काट काट के, काट काट के, काट काट के सारे जिस्म में सुराख कर देता हूँ। इंदु, मुझे तुम पर ना, मुझे तुम पर ना। क्या है? तुम पर है ना, तुम पर है ना किया जा रहे हो? मुझ पर धूल मिट्टी है क्या? नहीं नहीं, धूल मिट्टी नहीं है, मुझे ना तुम पर ना प्रेम है। क्या प्रेम? मुझे तुम पर प्रेम है इंदुमती, प्रेम है? प्रेम? हाँ? कभी भूल कर भी यह ख्याल अपने मन में मत लाना। इंदुमती, तुमने ऐसी बेदर्दी से मेरे हाथ को झटक दिया कि कसम नजाकत की मैं रो पड़ा। तुम नाराज हो मुझसे? नाराज हो? मैं गाना गा के सुनाऊं? तुम गाना मत गाओ, तुम्हारी हंसी से सर दुखता है। हाँ, तो तुम ये हंसी रामू के लिए सीख लेना, जैसे उसको देखो ये हंसी हंस देना। राजकुमारी साहब, साहब, अरे राजकुमारी, राजकुमारी जी, चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। कमल के, रामू, मेरे दोस्त ही, चाची, चल। राजकुमारी, ये पीजिए। वैद्यराज, क्या कहते हैं आप? विष का असर बहुत गहरा है महाराज, राजकुमारी की दशा चिंताजनक है, किंतु निराश होने की कोई बात नहीं, हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। रक्षा करना, मुझ दुखियारी के पास मेरे बच्चे के सिवा और कुछ नहीं। मेरी गोद उजड़ने से बचा लेना भगवान, मेरी गोद उजड़ने से बचा ले भगवान। राजकुमारी, फूंक मारिए। महाराज, राजकुमारी के प्राण बच गए। वैद्यराज, धन्यवाद महाराज। पिताजी, महारानी, आज उज्जैन के वासियों को खाना खिलाने का प्रबंध किया जाए। माँ, एक बार राजकुमारी को देखने का मन कर रहा। हाँ क्यों नहीं, राजमहल से एक आलीशान रथ आएगा, उसमें मैं तुम्हें बिठाऊंगा और सीधा राजकुमारी के कमरे में ले जाऊंगा। बड़ा आया राजकुमारी को देखने वाला, चल चुपचाप दवा पी। मैं दवा नहीं पीऊंगा। अरे मेरे बाप, ये वही दवा है जो राजकुमारी ने भी पी है। सच? हाँ। ला। Hey! Hey! Hey!
चला जाफा, लगा जाफा। कहाँ है रे? इंद्रजालू। आया गुरु, आया। चकोरी रे। आई भट्टा रे। श्री। क्या क्या है भट्टा रे? चटकरे, संजीवी सिद्धकर। गुरुदेव। देखता क्या है रे? कटार का प्रबंध कर। कारण गुरु? इंग्री, शंका मत कर, आज्ञाधारी बनकर गुरु की सेवा कर। जो आज्ञा। हरिम ओम। ओम हरिम गुरु। ओम फट। चंडी प्रसन्न, चामुंडी प्रसन्न, सारिणी प्रसन्न, कपालिनी प्रसन्न। सिलमान त्रिकुशहरी, बोल क्या इच्छा है तेरी? वो जो सबकी मांगी और इच्छाएं पूरी करती है, वो जो आकाश और पाताल की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है, वो महान शक्ति कौन है? बोल अंबे, बोल जगदंबे। पाताल भैरवी, पाताल भैरवी। वो महान शक्ति कहाँ है? बोल अंबा, बोल जगदंबा। उज्जैन की उत्तर दिशा में जांबली वादियों के बीच घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे धरती के गर्भ में यक्षों की रक्षा में है। उस महान शक्ति को सिद्ध करने का उपाय क्या है अम्बा? बोल जगदम्बा। उस शक्ति को पाने के लिए या तो तेरे जैसा मांत्रिक या असीम साहस वाला सच्चे रास्ते पर चलने वाला युवक, इन दोनों में से किसी एक की बलि चढ़ाने पर वो शक्ति प्राप्त हो सकती है। सदा जपा। गुरुदेव। हाथ को अपनी जगह पे लगा। जो आ गया। चट करे। संजीवनी का स्पर्श दे। लगा। चला जाबा, चलाश, अस्तर फ्रेंड्स। वसीम साहसी, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला युवक। भट्टारस, आपने पहले बहुत सिद्धियां प्राप्त की हैं। अधिक आशा करना विनाश का कारण बन सकता है। ये ठीक कहती है गुरु। आपके पास तो महान शक्तियां हैं, फिर वो युवक क्यों? बलि चढ़ाने के लिए इस संसार में आपसे अच्छा और कौन हो सकता है? चला जाबा। तेरे गले से गलत सुर निकल रहे हैं। मुंह बंद रख, वरना इसे काटूंगा कि संजीवनी से भी जुड़ नहीं सकेगा। गुरुदेव। महासाहसी सन्मार्गी युवक कहां है? हां हो, हो रहा डिंबक, हो रहा महासाहसी। कहां है गुरु? उज्जैन के किले की दीवार फांद रहा है। इंगरी, यात्रा की तैयारी शुरू करो।
जान हथेली पर रखकर आया हूं। लेकिन क्यों? अब तुम अपने दिल से पूछकर बोलो कि मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं। तुम हमेशा मजाक मत क्या करो, सच बोलो, यहां क्यों आए हो? सच तो यह है कि मैं अपनी छोटी सी बगिया में बड़ी आराम और शांति की जिंदगी गुजार रहा था कि एक राजकुमारी मेरी जिंदगी में आई और मुझे प्रेम की डोर से बांध गई और उसी डोर से खींचती हुई मुझे राजमहल तक ले आई। लगता है तुम दिन में सपने देखने लग गए हो। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। नहीं राजकुमारी, अब तो जीते जी इस दुनिया से बाहर आना नामुमकिन है, क्योंकि इस प्रेम के बंधन ने ऐसे बांध रखा है कि राजकुमारी के बगैर ना तो उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना सो सकता हूँ, ना जा सकता हूँ। राजकुमारी के इंतजार की आग ने इस गरीब की कुटिया को जलाकर राख कर डाला है। तुम ये देखो कि कहाँ आकर खड़े हो और क्या क्या कह रहे हो। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं भागे तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इश्क वाले अंजाम की परवाह कहाँ करते हैं राजकुमारी। इसी से अंदाजा लगा लो कि यह किला जिसकी दीवारों को आज तक बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु राजा पार करके अंदर ना आ सके, आज मैं तुम्हारे प्रेम के बल पर इसे फलांग कर अंदर आ गया। रामो, मैंने उज्जैन की सेना को अपनी बाजू की ताकत से नहीं बल्कि अपने प्रेम की सच्चाई की शक्ति से जीता है। बोलो राजकुमारी, क्या तुम्हें इस गरीब का प्यार स्वीकार है? कौन? वही मोटलू चंचल। चंचल, मुझे कैद करने के लिए अपने सिपाहियों को साथ लाया है। ठीक है, जो सर मौत से खेलकर तुम तक पहुंच तो सका लेकिन तुम्हारा प्यार न पा सका, ऐसे कंबक सर का कट जाना ही बेहतर है। रामो, ठहरो। एक बार तुमने मेरी जान बचाई, आज मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। जाओ, जल्दी जाकर उस पर्दे के पीछे छुप जाओ। मैं सर पर कफन बांध कर आया हूँ और तुम मुझे पर्दे के पीछे छुपने के लिए कह रही हो? मैं प्रेम की भीख मांगने आया हूँ, जिंदगी की भीख नहीं, ना ही अपने किए हुए उपकार के बदले मदद मांगने। देखो समय नहीं है, जल्दी से छुप जाओ। पहले तुम एक बार कहो, तुम मुझसे प्रेम करती हो या नहीं? रामू, प्रेम करती हो या नहीं? रामू जिद ना करो। ठीक, मैं चला। अच्छा बाबा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब जाओ।
इंदुमती इंदुमती खोलो खोलो। क्या है चंचल जी, कितने मजे की नींद आ रही थी, हमारी नींद खराब कर दी। आई, बुरी बात बुरी बात, इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोना चाहिए कि घर में घुसने वाले का पता भी ना चले। तुमको मालूम है तुम्हारे कमरे में चोर घुस आया है। क्या है जी? लगता है सपने में जिसको देखते हैं जागने के बाद उसे पकड़ने दौड़ते हैं। दरवाजा तो बंद था, बंद दरवाजे से कोई अंदर कैसे आ सकते हैं? वहाँ कोई नहीं है। कौन है पर्दे के पीछे? महाराजा। कोई नहीं है ना? कोई नहीं है चंचल जी। अब बच के कहाँ जाएगा तू? किधर गया किधर गया? चंचल जी, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है? विश्वास? आपकी बात पर मुझे विश्वास ना है? मुझे बहुत विश्वास आ रहा है। मैं चलता हूँ, कसम नजाकत की, आपकी बात पर मुझे विश्वास ना है। आया रहा, आप सो जाइए, आप सो जाइए। नहीं आ रही, मैं लोरी सुना देता हूँ। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। मुझे भी आ रही, मैं चलता हूँ। आप जाइए, कोई नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो पर्दे ने मारा। मेरे प्रेम को स्वीकार करने वाली राजकुमारी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और प्रेम का ये छोटा नजराना पेश करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। भी कैसे, दरवाजा तो बंद है, अंदर कोई कैसे आएगा? आऊ नंदी, जल्दी जाकर पता करो वहाँ क्या हो रहा है। जी महाराज, ये दुष्ट सिपाहियों को घायल करता हुआ राजकुमारी की खाबगाह में घुस गया था, लेकिन मैंने अपनी बहादुरी, अपनी हिम्मत, अपनी जवां मर्दी से इसे पछाड़ दिया, कसम नजाकत की। अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने सिपाहियों को कहकर इसका सर इसके तन से अलग करवा दीजिए। चोरों की तरह राजमहल में घुस आने का कारण? सवाल मत पूछिए, जलजले की तरह गर्दन उड़ा दीजिए। बोलते क्यों नहीं, जवाब दो, राजमहल में क्यों आए थे? महाराज, सच बोलूं या झूठ बोलूं? अदब से और सम्मान से बात करो, हम राजा हैं और तुम इस वक्त अपराधी हो। उस दिन तुम्हारी बहादुरी और शूरता पर हमें गौरव था कि उज्जैन की रक्षा करने वाले सूरमा और बहादुर अभी तक जीवित हैं, लेकिन आज तुम्हें एक मामूली चोर के रूप में गिरफ्तार होते देखकर हमारा सर शर्म से झुक गया। तुमने बहादुरी की मिसाल कायम की थी और आज उसी मिसाल को तुमने अपने कदमों के तले रौंद डाला। अगर तुम वाकई सूरमा हो तो झूठ नहीं बोलोगे, सच सच बोलो, क्यों आए थे राजमहल में? राजकुमारी को देखने आया था। इसके ये मजा है? इतनी बेशर्मी से इसने कह दिया कि राजकुमारी को देखने आया था, जैसे राजकुमारी कोई बीमारी है और ये कोई वैद्य है। मैं कहता हूँ ऐसे के मुंह मत लगिए, गर्दन काट दीजिए। खामोश, कोई बीच में नहीं बोलेगा। राजा तुम हो या हम हैं? आप हैं। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, इसे काल कोठरी में बंद कर दो, इसका फैसला हम कल राजदरबार में करेंगे। ले जाओ ले जाओ। देख लिया ना, तुम्हारे सास और बहादुरी ने तुम्हें कहां तक पहुंचा दिया।
मुझे अपनी बहादुरी पर नाज है कि उसने उज्जैन की राजकुमारी को संगे मरमर के महल से निकालकर एक सीधी सादी औरत का रूप देकर मुझ गरीब तक पहुंचाया। इस दुनिया में इतना खुशनसीब, इतना तकदीर वाला इंसान शायद ही कोई होगा। रामा, महाराज के गुस्से की ज्वाला भड़क रही है और इससे पहले कि वो तुम्हारा जीवन जला डाले, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम इस देश को छोड़कर फौरन कहीं चले जाओ। मगर इस संसार में ऐसा कौन सा देश है जहां तुम्हारा प्यार मेरा पीछा करना छोड़ देगा? तुम्हारा प्रेम मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अगर वही नहीं मिला तो इस जीवन का क्या करूंगा? मेरी इतनी सी विनती मान लो रामो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अपने लिए न सही मेरे प्रेम के लिए अपनी जिंदगी बचा लो। इंदू! महाराज, इसके अपराध में बराबर की शरीक तुम भी हो। अगर इसने महल में आने का साहस किया तो उस साहस को बढ़ावा देने वाली तुम हो। तुम पिताजी चुप रहो। और तुमने हमारी बेटी पर जादू कर दिया है, उसे अपने वश में कर लिया है। तुम्हें इसकी पूरी सजा मिलेगी। सिपाहियों, इसे ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। ये व्यक्ति जिसका नाम रामू है और जात है माली, राजमहल में आया और राजकुमारी के कमरे में घुस गया। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराज ने इसके लिए फांसी की सजा का ऐलान किया है। अपराधी, अगर तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बयान कर, राज्य के नियम के अनुसार पूरी की जाएगी। मैं राजकुमारी से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। नहीं, हम ऐसे इंसान को फांसी दिलवा रहे हैं जिसने उज्जैन की इज्जत पर हाथ डाला, उसकी मान मर्यादा को ठोकरे मार मार कर चूर चूर कर दिया। याद कीजिए पिताजी, ये वही इंसान है जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरे शरीर में फैले हुए जहर को चूस कर ना निकाल दिया होता तो आज मैं जिंदा ना होती। उसने आपके बेटे को नया जन्म दिया। क्या आपकी नजरों में आपके बेटे के जीवन का इतना भी मूल्य नहीं? क्या उसके बदले में उसकी जान बख्श दी जाए? क्या उज्जैन के महाराज का दिल इतना छोटा हो गया है? हिंदू पिताजी, इस दुनिया में प्रेम करने का अधिकार हर एक को है, उसे रोकने या उसके बदले सजा देने का अधिकार किसी को भी नहीं। अगर आपकी रियासत में प्रेम करना पाप है तो गुनाहगार सिर्फ रामू नहीं, मैं भी हूं। उसने मुझसे प्यार किया और मैंने उसके प्रेम को स्वीकार किया, दोनों सजा के बराबर के हकदार हैं। जो सजा रामू के लिए वही मेरे लिए भी होनी चाहिए। रामू के साथ मुझे भी फांसी पर लटका दीजिए पिताजी। इंदू, महाराज की जय हो। कर दिया, मार डालो उसे। नहीं राजकुमारी जी, फांसी अभी तक लगाई नहीं गई है। उसकी आखिरी इच्छा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। रियासत के कानून के अनुसार मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाए। महाराज, आप रामू, प्रेम करने का अधिकार इस संसार में सभी को है, लेकिन मर्यादाओं की दीवार तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। तुमने क्या समझ लिया? राजकुमारी से प्रेम करना कोई खेल है, मजाक है? तुम उसके लायक हो? उसकी शान और शौकत की बराबरी करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? राजपाट, महल, जागीर, जायदाद क्या है? मेरे पास हिम्मत और साहस का सशस्त्र है महाराज, और अगर आपका आशीर्वाद मिला तो सब कुछ हासिल करके दिखा दूंगा। अगर ऐसा है तो पहले सब कुछ हासिल कर लो, फिर हमसे हमारी बेटी का हाथ मांगो। तब तक तुम महल की तरफ मुड़कर या आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। अब तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। हम हो भायुबन, हवाओं को मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ। वाह 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 वाह, भाग्य बंद, शब्दों के बहाव को रोक सकता हूँ। वाह 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 वाह, बिग बंद,
पृथ्वी के गोले के घुमाव को रोक सकता हूँ। केवल मनोरंजन के लिए, दिल बहलाने के लिए, सर्वनाश फैलाने के लिए नहीं। वाह 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 वाह, अति उत्तम, सर्वोत्तम। भाइयों, बहनों, माताओं और पिताओं, ये है नेपाल के महान जादूगर। युवा जनों, तुम धरती की ताकत हो तो कदम आगे आ जाओ, आओ। अरे बुढ़ो, तुम जिंदगी की हिमाकत हो तो कदम पीछे हट जाओ। क्लब इंगरी गुरु, जनता जो चाहती है वो दिखाएं, या हम जो चाहते हैं वो जनता को दिखाएं। गुरु, जनता हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं। ए बुढ़े सीधे खड़ा रहे, जनता की तो देव पाड़ी है, जनता जो चाहती है भट्टारे वही दिखाओ। का के कू के की को की। गुरु, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके सिरों पर टोपियां पहना दो। अब देखो, गुरु और क्या दिखाऊं रे। गुरु, इन सबके वस्त्र हरण कर दो, इनके कपड़े गायब करके इनको नंगा कर दो। हमारा काम नंगों को कपड़े पहनाना है, कपड़े उतार कर नंगे बनाना नहीं है। मांग कुछ और मांग। दादा डीडी डूडू, गुरु इस पत्थर की मूर्ति को सचमुच की नारी बना दो और इस जनता का दिल बहला दो। सी पटाक डम डम, अरे घन घटा के घन घन, नाका चका भवा चका हाची हाची सुशुरी लिगे 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 लिगे। हम Yeah.
दे कौन। अबे तू हंस रहा है या पहाड़ खोद रहा है? इस तरह भरे बाजार में हंसी का भोचाल पैदा करने के लिए तुझे कर देना पड़ेगा। कौन है तू? नेपाली मांत्रिक, नेपाली जादूगर, जनता के मनोरंजन के लिए नेपाल से यहाँ आए हैं। ये अगर नेपाल से आए हैं या किसी चौपाल से या आए हैं ये भोचाल से, अगर मनोरंजन कर रहे हैं मनोरंजन का कर भरना पड़ेगा। मनोरंजन का कर भर नहीं, ये किसी कर से कम है। यही है हमारे मनोरंजन का कर। सिपाहियों पकड़ लो इसे। अबे उसे नहीं, इसे। आम फट। चाचा मुझ में से ये औरत का रूप बाहर निकालिए, मुझे अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। आइंदा जो शब्द मुंह से निकालेगा वो बुद्धि में डुबा के निकालेगा ना। हाँ जरूर डुबा के निकालूंगा, लेकिन मेरे अंदर जो औरत डूबी हुई है उसे तो बाहर निकालिए मेरे बाप, मुझे फिर से वही शूरवीर बनाइए। पछता रहा है इसीलिए रूप लौटा रहा हूँ, वरना सारा जीवन घुंघरू बांध के यही नाचता रहता। राजबंधु आपको तो उसी तरह औरत के ही रूप में रहना चाहिए था। क्यों, हम पर नियत आ गई थी क्या तुम्हारी? आपके ग्रह कह रहे हैं कि अगर आप गर्भवती हो जाते तो आपके भाग खुल जाते। भाग खुल जाते? अब मैं भी तुम दोनों के भाग खोलता हूँ। सिपाहियों गिरफ्तार करके ले जाओ उन दोनों को। ले जाओ राजबंधु। राजबंधु गुरु, ये सारी जनता हमारी भक्त जन है, पूछो इन्हें क्या उपहार चाहिए, हम पेश कर तालू। ये अक्षय पात्र है, सागर में उतना पानी नहीं निकलेगा जितना इसमें से माल निकलेगा। काके की कुकु, इस बुढ़े नाना के दांत ही नहीं है, इसको केला खिलाओ तो जाने। मतलब केला नहीं है रे? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। प्रेम, प्रेम, प्रेम। बिना दांतों के मुंह को केला चाहिए। आम फट। लो, चबाया हुआ केला खा लो, मुंह खोलो। खुदा भादा भीमु या के भट्टारे, इस प्यारी दुलारी को कुमकुम की डिबिया दो। ध्रुम प्रेम, ध्रुम कुमकुम की डिबिया चाहिए। आम फट। जमा कीजिए मंत्रिक जी,
आपकी शक्ति को मैं दंडक प्रणाम करता हूँ, लेकिन केला और कुमकुम की डिबिया तो छोटी सी चीजें हैं। ऐसा जादू तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। अगर आप सच्चे जादूगर हैं, तो आप मुझे सोने की अशर्फियां दीजिए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप कमाल के जादूगर हैं। दीजिए ना। क्रेन, फाउल, सोने की मोहरे चाहिए। आम फट। पूजा बाबू की मुगा के मुझे हीरे चाहिए। की के काके कुकू देते मुझे मोती चाहिए। काका कुकू मोटा टाई टाई टूटू मुझे सोने की मोहरे चाहिए। इस लोटे में क्या टटोल रहा है डिंबक? इससे जो निकलता है हमारी मांत्रिक शक्ति से निकलता है डिंबक। सच? और तेरे मन में क्या है वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तूने राजकुमारी से प्रेम किया, राजा ने कहा तेरे पास क्या है? महिला, दौलत ला, नौकर ला, चाकर ला, पालकी ला, तब हम अपनी सपुत्री का हाथ तेरे हाथ में देंगे। सस्ता मतलब? सत्य है नरे? बिल्कुल सच है। और तू क्या है वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। साहसी, हिम्मत वाला, सच्चाई के रास्ते पे चढ़तालू। और हमने ऐसे ही सज्जनों की सेवा करने के लिए इस नटनुमा संसार में जन्म लिया है। सच्चों का तुम्हें पुजारी नरे। तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, मगर उस मार्ग पे खतरांग है डिंबक। क्या उस रास्ते पे तू अपनी हिम्मत अपना साहस दिखा सकता है रिडिंबक? जरूर जरूर दिखाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। आम्हा, आम्हा, शाबाश बुगलातीन, अस्तफरीन डिंबक। बहादुरी तेरा हिस्सा है तो उसके फल खाना मेरा हिस्सा है। चल कदम बढ़ा, जय पाताल भैरवी। एक बेचारा फंस गया जाल में, प्यार के लिए, प्यार के लिए, ओ प्यार के लिए। तड़प तड़प कर माता, मेरे लाल की रक्षा करना जग के भाग विधाता। एक बेचारा फंस गया जाल में, प्यार के लिए, प्यार के लिए, ओ प्यार के लिए, प्यार के लिए। प्यार के लिए।
दुनिया में होगी प्यार से प्यारी। एक युग जैसा एक पल बीते तड़पे राजकुमारी। कौन सी दौलत इस दुनिया में होगी प्यार से प्यारी। एक युग जैसा एक पल बीते तड़पे राजकुमारी। एक बेचारा फंस गया जाल में प्यार के लिए, प्यार के लिए, ओ प्यार के लिए, यार के लिए, प्यार के लिए। मंत्रतंत्र का वट वृक्ष डिंबक। स्वामी ये आवाज कैसी? ये पाताल भैरवी की आवाज है, वो तुझे बुला रही है। क्या वो मेरे उपहार ले जा। जय पाताल भैरवी। ये पाताल भैरवी कौन है, कहां रहती है? वो सर्वशक्तिमान है, पूरे विश्व पूरी कायनात को वश में करने के लिए जिन आठ शक्तियों की जरूरत है वो उसके पास है, और जो उसके पास पहुंच जाएगा वो शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। ये बक चढ़ जा पेड़ पर। अस्तफरीन, अब बेधड़क पेड़ पर चढ़ जा। अस्तफरीन, अस्तफरीन, तू सचमुच का बहादुर है रे डिंबक। अब देख, मैं तुझे पाताल ग्रह का रास्ता दिखाता हूं। ओम ओम फट। चल डिंबक, अब पाताल भैरवी प्रकट होगी, आग में कूद जा। अरे सोचता क्या है डिंबक, तेरी मनोकामना पूरी होगी, राजकुमारी मिलेगी तो मैं लोगों का राजा होगा। चल शूरवीर बालक, भय को दामन से झटक और आग में कूद जा। मिलेगी
वीर शक्ति प्रसादनी भाम पही भाम पही रक्त नेत्रा ज्वाला शिल्पा प्रय खंडा अष्ट सिद्धियों वाली अखंड भैरवी वज्र भैरवी भद्र भैरवी दिम्बक यह महाप्रतापी तेजस्वी महाशक्ति पाताल भैरवी मैं ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करके देवी को प्रसन्न करता हूं। तू उस मानसरोवर में स्नान करके शुद्ध होकर डिम्बक मैं तुझे देवी का अनुग्रह दिलाऊंगा। जा डिम्बक जा। जय पाताल भैरवी। के जाल से आजाद हो गई। अब तुम्हारे उपकार का बदला उतारने के लिए तुम्हें बताती हूं। ये जादूगर दुष्ट धोखेबाज है। पाताल भैरवी के चरणों में तुम्हारी बलि चढ़ा के यह अपूर्व शक्ति प्राप्त करना चाहता है। अगर तुम इस देवी के सामने उसकी ही बलि चढ़ा दो तो देवी तुम ही पर प्रसन्न होगी। तुम्हें उसका अनुग्रह प्राप्त होगा। तुम्हारी विजय हो मानव। दुष्ट हो तो जिससे भला उसको फिर बचाए कौन कष्ट देगा कौन जिसको रखे तू संभाल के महाकाली तेरे जैसा शक्तिशाली कौन है ब्रह्मलोक पृथ्वी लोक लोक में पताल के जिससे तू प्रसन्न हो वो मनुष्य धन्य हो तेरे आगे टूट जाए जाल इंद्र जाल के स्वामी शुद्ध होकर आए हो ना डिम्बक बिल्कुल शुद्ध होकर आया हूं स्वामी तो फिर देर किस बात देवी को साष्टांग नमस्कार कर संकल्प सिद्ध होंगे राजकुमारी मिलता हूं शीघ्र देवी मां मुझ पे दया दृष्टि करो ऐसे नहीं डिम्बक
ऐसे भी नहीं। फिर कैसे स्वामी? हट, मैं बताता हूं। ऐसे बैठकर छाती और मुंह जमीन पर लगा के औंधे मुंह लेटकर देवी को ऐसे साष्टांग नमस्कार कर ध्यान करता लू, जय पाताल भैरवी कृपामयी कामपाल विमोचनी आनंदवल्ली आदिशक्ति राम नमस्ते। से लक्ष्मी, हिम्मत से तकदीर बनती है। ये ले, ये है मेरी महान शक्ति, मेरी प्रतिमा। जो कोई मेरा ध्यान करके इस प्रतिमा को अपने माथे से लगाएगा, मैं उसके सामने प्रत्यक्ष होकर उसकी मांग, उसकी मनोकामना पूरी करूंगी। जय पाताल भैरवी। मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? मुझे इंद्र जैसा भाग्यशाली राजकुमार बनाकर उज्जैन नगरी पहुंचा दो। तथास्तु। इंदु, मैं हूं तुम्हारा रामू। रामू, तुम यहां अचानक कैसे आ गए? तुम्हारे दिल की पुकार सुनकर। इंदु, मगर ये राजकुमारों के पोशाक, ये सब तुम्हारे प्यार का चमत्कार है। मैं समझी नहीं। मन में सच्चाई और ईमानदारी का जज्बा लिए हुए, हिम्मत से बढ़ते हुए, रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से गुजरते हुए, मैंने सीधे जाकर माँ पाताल भैरवी के चरणों में सर झुका दिया। आज माँ के आशीर्वाद से मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ इंदु, देवी माँ ने मुझे वो शक्ति दी है जिसे मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ। सच? तुम्हारी कसम, महाराज ने तुम्हारा हाथ मांगने से पहले जो जो शर्तें रखी थी, मैंने वो सब पूरी कर दी है, बल्कि उससे बढ़कर पा लिया है। अब अपने पिताजी से जाकर कहो कि उनका दामाद जमाने भर की दौलत उठा लाया है, उसके बदले में उनकी बेटी मांग रहा है, उसे मेरी प्रेम की झोली में डाल दें। रात तक तो वहाँ उस रामू माली का झोपड़ा था, और एक ही रात में इतना शानदार महल कैसे बन गया? विजय भव, महाराज, महाप्रभु, आप ही के आशीर्वाद के कारण मेरे सबसे प्यारे मित्र श्री 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 रामचंद्र जी ने देवी की कृपा से कीर्ति सहस्य आपके बगीचे में अपनी पुरानी कुटिया के स्थान पर एक महान 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 माया महल खड़ा कर दिया है, और उन्होंने गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर आपकी सेवा में एक सप्रेम भेंट भेजी है। भेंट स्वीकार करके उपकार कीजिए महाराज, उपकार कीजिए। उपहार देखकर आंखें चुंधिया गई, महल देखकर तो होश ही उड़ जाएंगे। होश ही क्यों उड़ जाएगा, आपका राजपाट भी उड़ जाएगा, आसमान फट जाएगा हमारे दिमाग की तरह। मैं तो कहूँ पुप्पा जी, ये सब चोरी का माल लगता है। अरे सीताफल, हैं हैं,
कभी भोचाल, कभी हड़ताल, अभी सीताफल। पुप्पो जी समझाओ ना, मेरा नाम चंचल है, चंचल। अरे कोई भी चल हो, लेकिन जबान कम चलाया करो। हाँ तो महाशय आगे बोलो। महाराज हमारे मित्र की एक विनती है कि आप अपने परिवार समेत माया महल में पधारे, हमारी दावत को स्वीकार करके हमें सम्मानित करें। हम अवश्य आएंगे। महाराज वो देखिए, झूम झूम के नाचो तुम गाओ गीत मिलन के, झूम झूम के नाचो तुम गाओ गीत मिलन के, झूम झूम नाचो झूम 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 नाचो झूम 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 नाचो झूम 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 नाचो झूम 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 झूम। लड़की के सीने में लड़के की जान बसा दी, झूम झूम लड़की में कुदरत ने लड़की की जान छुपा दी, लड़की के सीने में लड़के की जान बसा दी, जान ढूंढते हैं अपनी दुनो प्रेमी प्रेमिका बन के, झूम झूम नाचो झूम झूम के, झूम झूम के नाचो तुम गाओ गीत मिलन के। प्यास बहुत है मदिरा कम है छोटा उम्र का प्यारा, झूम झूम जल्दी जल्दी जी लो पी लो जीवन एक मधुशाला, झूम झूम प्यास बहुत है मदिरा कम है छोटा उम्र का प्यारा, जल्दी जल्दी जी लो पी लो जीवन एक मधुशाला, झूम झूम नाचो झूम 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 नाचो झूम 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 के नाचो तुम गाओ गीत मिलन के, झूम झूम के नाचो तुम गाओ गीत मिलन के। जीने से अच्छा है संतरे को पल जीना, झूम झूम
अति सुंदर, हम तुम पर खुश हो गए नौजवान। तुमने अपना वचन निभाया है, हम अपना वचन निभाएंगे। महाराज, मैंने जो कुछ भी पाया है आपके आशीर्वाद से पाया है। वो तो सत्य है, लेकिन हमें अपना वचन तो पूरा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी माताओं पिताओं, मेरे प्यारे प्यारे भतीजों, हम आप सब लोगों को हमारे प्यारे प्यारे मित्र श्री श्री रामचंद्र के विवाह की दावत देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, सोने के पत्ते पर विवाह का निमंत्रण, कमाल है। क्या सदा जपा लगा रखा है, मेरे ज्ञान के ध्यान को भंग कर दिया। अरे फाचर, दो पूनम बीत गई, भट्टारक वापस ही नहीं लौटे, मेरा तो दिल धड़क रहा है। तुम उनकी चिंता मत करो, गुरु महान शक्ति वाले हैं, उनको कुछ नहीं होगा। ए टिगरे, ए चिटकरी, आमो आफाट। गुरु जी, काका कुकू की अर्थात हमारे मित्र की शादी है। शादी? हाँ, श्री श्री रामचंद्र का ब्याह राजकुमारी इंदुमती सुपुत्री महाराज राज विजय सिंह के साथ जय पाताल भैरवी। पाताल भैरवी? गुरुजी, आप कहाँ हैं गुरुजी? आपको क्या हो गया गुरुजी? सदा चपा, जल्दी करो। अरे गुरु, तुम्हारी ये दशा। जय पाताल भैरवी, तू रो मत, मैं अभी इस बेजान शरीर में जान डालता हूँ। जय पाताल भैरवी, 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 जय पाताल भैरवी। पाखंडी चांडाल, गुरु, गुरु मैं हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, सदा जपा, सदा जपा। तो दिमाग कहाँ है, दिमाग कहाँ है? वो उज्जैन की राजकुमारी के संग बिहार रचाने जा रहा है। आम हो चक्री, उसने मेरे संग छल किया है, मैं उसको भस्म करके उसकी राख को अंतरिक्ष में बिखेर दूंगा। गुरु, शादी की शहनाई। आज जब दुविधा में पड़ गया हूं, जान देता हूं तो जीवन गवाता हूं, जिंदा रहता हूं तो राजकुमारी गवाता हूं। मैं क्या करूं, राजकुमारी के बगैर मेरा जीवन ऐसा है जैसे घोड़े के बगैर घुड़सवारी करना। मैं मरता हूं राजकुमारी। हमारा आसमान फट गया, हम मर रहे हैं, तुम हंस रहे हो दड़ियल। अरे निर्बोध, ऐसी कौन सी बुद्धि आ गई है जो तू आत्महत्या कर रहा है? मेरी बदकिस्मती, मेरा दुर्भाग्य, इससे बढ़कर दुविधा क्या हो सकती है। मेरे प्रेम की कश्ती में मेरा दुश्मन चप्पू चला रहा है, मेरी महबूबा जिससे मैं प्रेम करता हूँ शादी कर रहा है उससे, वो माली का बेटा रामू। अब तो चाहे मेरे वजन से उज्जैन के सारे पेड़ टूट जाए, लेकिन मैं आत्महत्या करके रहूंगा, जान दे के रहूंगा, काहे वो दूसरा पेड़। ठहर जा पाछड़मल, ठहर जा चंचल पाछड़मल, इतनी जल्दी मत मर, जिंदा रहेगा तो सुख भोगेगा। सुख मेरे भाग्य में सुख कहा। रो मत पहाड़ समान, रो मत, हम तेरा ब्याह राजकुमारी से रचाएंगे। आप मेरा ब्याह कैसे, कैसे? हमारा विश्वास कर, हमारे पास मंत्र विद्या की शक्ति है, हमारी बात मान। अगर आप इतनी विनती करते हैं है? चुप,
मैं अपनी जान देकर आपको निराश नहीं कर सकता। कहिए मैं क्या करूं आपके लिए? जय पाताल भैरवी, ला ये ले। ये बांसुरी नहीं है, दूर देखने के लिए है। इधर से नहीं रे, इधर से देख। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आपकी दाढ़ी में तिनका। इधर नहीं, उधर देख। माया महल। अंदर देख। माया महल में। माया महल में पूजा का कमरा। पूजा के कमरे में संदूक। संदूक में? संदूक में एक मूर्ति। अब तेजी दिखा, जल्दी से माया महल जा, वो मूर्ति मेरे पास लेकर आ और मैं उसी समय तेरी शादी राजकुमारी से करवाऊंगा। आज तक तुमने ऐसे धूमधड़ाके की शादी देखी है? हनुमान जी आप यहाँ, मैं मेहमानों के स्वागत का इंतजाम यहाँ करता हूँ। आप बैठे हुए मेहमानों को देखिए, जाइए जाइए। ठीक है। ऐसी शादी तो हमारी भी इतनी धूम। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे मैं कुरुक्षेत्र में परमदेव से निकलकर चक्रव्यूह तोड़ के बाहर आ गया हूँ, और वो भी इस उंगली बराबर मूर्ति के लिए। खुदा पहाड़ निकली जिंगर, लगता है उस दड़ियल जादूगर का दिमाग खराब हो गया। अगर वो चाहता तो एक मंत्र पढ़ के ऐसे लाखों खिलौने मंगवा सकता था आम फट कह के, मगर नहीं। जय पाताल भैरवी। मानव बोल, क्या इच्छा है तेरी? कौन हो तुम? मानव बोल, क्या इच्छा है तेरी? मानव बोल, क्या इच्छा है तेरी? मानव बोल, क्या इच्छा है तेरी? मानव 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 बोल, क्या इच्छा है तेरी? मेरी इच्छा है तो बहुत है, मगर तुम यहाँ से जाओ जाओ। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत लाने भेज दिया मुझे। अगर चाहता तो शाही खजाने से हीरे जवाहरात मंगवा सकता था, अगर चाहता तो राजकुमारी को मंगवा सकता था, मगर नहीं। जरूर इस छोटी सी मूर्ति में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ठीक है, अभी मेरे भेजे की नजाकत में ताकत आ रही है। इस मूर्ति में अवश्य कोई चमत्कार है, अभी देखता हूँ। जय पाताल भैरवी। मानव बोल, क्या इच्छा है तेरी? राजकुमारी इंदु को मेरे चरणों में हाजिर कर सकती हो? तथास्तु। इंदु मती, तुम मैं यहाँ कैसे आई? तुम मेरे जादू की शक्ति से अपने लगन मंडप से निकलकर मेरे प्रेम मंडप में आ गई हो। क्या? मैंने तुम्हारे सुंदर गले में बांधने के लिए मंगलवार को ही मंगलसूत्र बनाया था। अपना गला आगे करो इंदुमती। बेशरम बुजदिल काय, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो दिन गए जब पसीना गुलाब था, तेरे प्यार में चंचल का दिल बेकरार कबाब था। हमने तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बड़ी मुद्दतों से पकड़ में नहीं आई, अब जाके पकड़ा है। जय पाताल भैरवी। मानव बोल, क्या इच्छा है तेरी? ये
देवी माँ, मुझे इस राक्षस से बचाओ, मुझे मेरे रामू के पास पहुँचा दो। माना, बोल क्या इच्छा है तेरी? देवी माँ क्षमा कीजिए, मैं तो भूल गया था, मुझे राजकुमारी को माया महल समेत किसी दूसरी जगह उज्जैन से दूर पहुँचा दीजिए। ये निर्बोध अब तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा गुरु, कोई आसान काम करने थोड़ी गया। हो सकता है वो हमारी चाल समझ गया हो। अपनी चोंच बंद कर चटकरी। महाराज, अधिराज, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, अब बताइए आपका माया महल, शाही सवारियां और पालकियां कहाँ हैं? कहाँ गुम हो गई आपकी शान और शौकत? कहाँ है हमारी इंदु? बताओ, जवाब दो। खामोश क्यों? बोल बेटे, तू बोलता क्यों नहीं? सच क्या है महाराज को साफ साफ बता दे, बता दे बेटे। वो मूर्ति गायब हो गई। मूर्ति के गायब हो जाने से राजकुमारी का क्या संबंध है? बोलो। ये ऐसे नहीं बोलेगा महाराज, इसकी फरेबी जबान से सच्चाई उगलवाने के लिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सिपाहियों। नहीं नहीं महारानी जी, महाराज मुझ बूढ़ी विधवा पर दया कीजिए, मेरे बुढ़ापे का यही एक सहारा है, इसे मत छीनिए, मैं आपके चरणों पर। दादी जी, महाराज आज की इस घटना के कारण जो दुख आपको पहुंचा है, उससे ज्यादा दुख मेरे दोस्त रामू के दिल को पहुंचा है। क्षमा चाहते हुए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं महाराज, आपने अपनी सुपुत्री राजकुमारी इंदुमती का हाथ रामू के हाथ में क्यों दिया? क्या इसका साहस, इसकी हिम्मत देखकर? नहीं महाराज नहीं, बल्कि रामू के हासिल किया गया माया महल, पालकियां, सवारियां और इसकी शान शौकत को देखकर। महाराज आपने कभी इस बात का विचार ही नहीं किया कि रामू जो कल तक एक मामूली गरीब इंसान था, उसने सारी दौलत कैसे हासिल कर ली, कहां से हासिल कर ली? तो महाराज सारा दोष रामू पर ही क्यों? दोष तो आपका भी है। हनुमान ठहरो, ये युवक सच कह रहा है। वाह उत्तम, बहुत खूब। हमारी राज्यसभा के मंत्री जो बात हमें याद न दिला सके वो तुमने दिला दी। सिपाहियों रामू को छोड़ दो। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? हम ठीक कर रहे हैं, अगर राम अपराधी है तो हम भी अपराधी हैं। राम को छोड़ दिया जाए। महाराज मैं वचन देता हूं कि ये जीवन सिर्फ राजकुमारी की तलाश में लगा दूंगा। मैं जमीन आसमान धरती पाताल एक कर दूंगा, लेकिन उसे किसी भी सूरत में तलाश करके आपके सामने हाजिर करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारा साथ दे। छोड़ दो मुझे। धोखा, भयंकर धोखा। अरे क्या हुआ गुरु? क्या हुआ बेटा? उस निर्बुद्ध को पाताल भैरवी की शक्ति का पता चल गया और वो उसकी शक्ति का अपने लिए सेवन कर रहा है। भागो, तुम क्या समझते हो मैं भाग नहीं सकता? नहीं। भागो। मुझे। ये पकड़ लिया। छोड़ दो। नहीं। छोड़ दो मुझे। छोड़ मुझे सर। मैं कहती हूँ छोड़ दो। हाँ। हाँ। हँसता क्या है? ऐसी हंसी तो हमको भी आती है। अबे मूरख दड़ियल, तूने क्या मुझे दूध पीता बच्चा समझ रखा था जो मूर्ति चुराने के लिए भेज दिया? याद रख, हमारी खोपड़ी में हमारे शरीर से ज्यादा अकल है, इसलिए हमने वो मूर्ति चुरा कर तेरे हवाले नहीं की, बल्कि खुद उसे लेकर आम पट हो गए। अब तू हमारा नौकर है, हमारा गुलाम है और हम तेरे मालिक हैं। चल जल्दी से जा, हमारा सुहाग रात मनाने का इंतजाम कर। हट। नहीं मान रखिए, इसकी बात मत मानना, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। अबे ये फटी हुई थैली की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? जा अपने मालिक का हुक्म बजा, मेरे लिए सोमरस लेके आ। सोमरस? फिर फटे हुए बांस की तरह हंस रहा है दड़ियल, चुप कर वरना एक थप्पड़ मारूंगा कान के दोनों पर्दे फट जाएंगे। इस कान में कंकर फेंकूंगा, उस कान से निकले आएगा। हाँ निर्बुद्ध तो था ही तू, शक्ति मिलते ही अंधा भी हो गया है। मत जैसे शक्तिशाली मांत्रिक को धोखा देने के लिए किसी माँ ने अपनी कोख से आज तक कोई बच्चा जन्मा ही नहीं। बदतमीज, बात बढ़ चढ़ के टरटरा रहा है तू, जाता है या बुलाओ पाताल भैरवी को। अवश्य बुला, देखता हूँ कैसे बुलाता है। बुला। मेरी मूर्ति किधर है? मेरी मूर्ति देखी किधर?
ताकत ताकतवर के पास और जादू जादूगर के पास ही होता है पंगल टालू। ये रही पाताल भैरवी। आपके पास कहां से आ गई? मैं आपके चरणों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए आप गुस्सा मत होना, मुझे बिल्कुल तकलीफ मत देना, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहा था, पहले जैसे खिलखिला के हंस रहा था वैसे जरा फिर हंस के दिखा तो। मुझे हंसने के लिए कह रहे हो? मेरा पहले ही आसमान फटा हुआ, मुझे रोना आ रहा है, हंसने के लिए बोल रहे हो? रोता है, पहले धोखा देता है बाद में रोता है। पाखंडी देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। मांत्रिक महाराज, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कृपा करके मुझे उज्जैन पहुंचा दीजिए। अब तो यह संभव है, तुम्हारी सुंदरता ने मेरे चट्टान रूपी हृदय में प्रेम के फूल खिला दिए। अब मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। बुराई के पुजारियों के पास नेकी कहाँ से आ सकती है मेरी बुलबुल? तुमने बड़ी नाज़ो अदा से हमारी तरफ देखा है, हमारे नजदीक आओ। हाँ। नहीं नहीं राजकुमारी जी, ये सचमुच का खराब आदमी है, पापी है ये। इस बलि के मेंढे को तहखाने में पहुंचा दिया जाए। अरे तू एक अबला लड़की की इज्जत लूटेगा, तुझे कोई जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। आम फट करूं तो तू खुद बखुद उड़कर मेरी बाहों में आ जाएगी। अगर मैं तुझे आम फट से नहीं प्रेम फट से जीतना चाहता हूँ। चाहूं तो सट्टम बट्टम कर सकता हूँ, मगर प्रेम में सट्टम बट्टम से काम नहीं लिया जाता। तुझे सोचने का समय देता हूँ, सोच ले, प्रेम का गीत गुनगुनाने फिर आऊंगा। जय पाताल भैरवी। मानव बोल क्या इच्छा है तेरी? इस महल को हम सबके साथ मेरे ठिकाने पे पहुंचा दिया जाए। तथास्तु। महल हवा में बन के गायब हो गया, मिलते मिलते प्यार कहीं पर खो गया। जीते जी क्या प्यार इसे मिल पाएगा, क्या होगा बस ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। एक बेचारा फंस गया जाल में, प्यार के लिए, प्यार के लिए ओ, प्यार के लिए यार। डिंगरी ये आईने में कौन है रे? सुंदरता का सम्राट, जानी का उबलता हुआ सौंदर। अरे तू मेरा कैसा चेला है रे, तूने आज तक मुझे आईना नहीं दिखाया। गुरु कहते हैं कभी कभी आंखें धोखा देकर वो दिखा देती हैं जो होता नहीं है। प्यासा चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसके पास जाता है, मगर उसे पानी नहीं गरम जलती हुई रेत मिलती है। चुप घड़े में अशुभ बात मत कर, आज हम मन के रेगिस्तान में प्रेम की ठंडी उछलती झील में नहाने जा रहे हैं। गुरु Thank you.
क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? यश कन्या। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम एक प्रेमी हो। इज्जत वाले जहर चख लिया करते हैं मगर पाप का अमृत कभी नहीं चखते। अगर तुम जबरदस्ती अपनी हवस की आग बुझाने की कोशिश करोगी तो याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारी हवस की आग में जला दूंगा। हाय हाय, तुम्हारे गुस्से में इतना प्यार है तो फिर तुम्हारे प्यार का कोई किनारा ही नहीं होगा। अरे जालिम, अपने प्यार के सागर में थोड़ी देर के लिए शेष कन्या को भी तैरने दे। कभी नहीं, मेरा प्रेम सिर्फ राजकुमारी के लिए। राजकुमारी मांत्रिक के जाल में है और मांत्रिक तुमसे ज्यादा ताकतवर है। अगर उसके पास मांत्रिक शक्ति है तो मेरे पास हिम्मत है। अगर वो जादू करना जानता है तो मैं मुश्किलों से लड़ना जानता हूँ। हाय, मैं मर जाऊं, क्या बात है। अरे तुम इतने बहादुर और ताकतवर हो, तभी तो ये यश कन्या तुम पर मर मिटी है। ये क्या बदतमीजी है? धन्यवाद युवक, तुमने आज बरसों के बाद मुझे एक श्राप से मुक्ति दिला दी। श्राप? हाँ, मुझे श्राप देकर पाताल लोक में डाल दिया गया था। वहां से आजाद होने की शर्त थी कि मैं किसी युवक को रिझाकर अपने आप को उसके हवाले करूं। वो मुझे ठुकरा दे तभी मुझे मेरा असली रूप और शक्ति प्राप्त हो सकती है। आज तुमने मुझे स्वीकार ना करके मुझे मेरा असली रूप और शक्ति दिला दी है, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। भगवान आपकी तरह इस संसार में हर किसी की मुश्किल आसान करते हैं। जरूर करेगा, हिम्मत और सच्चाई जिसके साथ हो मुश्किलों के पहाड़ उनके ठोकरों से टकरा कर रेत बन जाते हैं। आज तुमने मेरी मदद की है, उसके बदले में तुम्हें जो मांगना है मांगो। मुझे मेहरबानी करके राजकुमारी के पास पहुंचा दो। बस ये लो। ये परिंदा तुम्हें सरकश राजकुमारी तक पहुंचा देगा। आज आपने जो मेरी मदद की है वो मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं भी तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगी। डरते क्यों हो गुलिस्तान हुस्न, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
आराम हो। तेरे नैनों में जो भय भरा है उसे निकाल दे, क्योंकि ये बर्छी बनकर मेरे दिल में चुभ रहा है गुलफाम। तुम अपने आप को एक महान मांत्रिक कहते हो, महान लोग ऐसे नीच हरकतें करते हैं? नीच? जंग और मोहब्बत में सब जायज है। ये मांत्रिक दुनिया पे जादू करता है और तेरे हुस्न ने इस मांत्रिक पे जादू किया है मेरी बुलबुल। मेरे नजदीक मत आना। बुलबुल तुम गुस्सा मत किया करो, गुस्से में तुम और खिल जाती हो, प्रेम की आग बनकर मेरे रोम रोम में उतर जाती हो। मैं अंदर से जल रहा हूँ, मेरे मन की आग को अपने प्रेम की वर्षा से ठंडा कर दो। प्रेम और तुझसे? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तू बदसूरती से भी ज्यादा भयानक है। अरे मैं तो इंसान हूँ, चुड़ैले और राक्षसनिया भी तेरे करीब आने से डर जाएंगी। तू दरिंदे और जानवर से भी भयंकर है। आम हो, एक की पड़तालू, बकवास बंद। तू मेरा अपमान करके मेरे मन के क्रोध के बारूद पर नफरत की चिंगारियां छिड़क रही है। अरे क्या वो भिखारी राम जिसे तू चाहती है मुझसे बढ़कर है? बढ़कर? अरे तू उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ रामू के लिए प्रेम है और रहेगा। तेरा मंत्र, तेरा जादू पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक सकता है, लेकिन मेरे दिल से उसका प्रेम नहीं मिटा सकता। अच्छा, मैं तुझे गुले गुलफाम कह रहा हूँ और तू मुझे नफरत के कांटे चुबा रही है। अच्छी बात है, अब देख मैं उसकी क्या दुर्गत पलाता हूँ। उसको यहाँ तेरे सामने लाकर उस पर बहुत अत्याचार करूंगा कि राक्षस भी घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। देख। जय पाताल भैरवी। बोल क्या इच्छा है तेरी? इस जिद्दी लड़की के उस भिखारी प्रेमी रामू को बांध कर हमारे सामने पेश किया जाए। देख, तेरे होने वाले पति को जो न हो सका, जो मंडप में तो बैठा मगर बेचारा फेरे न ले सका। इंदु, रामू, रामू, छोड़ दो, रामू। धोखेबाज, मैं देवी को साष्टांग नमस्कार कर रहा था और तूने देवताओं की शक्ति को ललकारने वाले इस मंत्री का सर काट डाला। आम फट। आप, राम का नाम भूलो, मेरे प्यार का जाम अपना ले वरना ये बेचारा काम से चला जाएगा। अरे बुजदिल, एक बार मेरी रस्सियां खोल दे, फिर देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। खून न उगलवा दिया तो अपनी माँ का बेटा नहीं। इंदु, डरो मत, ये शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए भयंकर भयभीत भौंचाल, शुरू करो अपनी चाल। इंदु, चाहो। मत मारो इसे, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। पाँव नहीं, मेरा हाथ पकड़ो मेरी बुलबुल। मेरा बस चले तो मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी, तेरा हाथ काट डालूंगी। और मारो। बस करो, मत मारो। लो, मैं हाथ हूँ, मुझे मारो, मेरी जान ले लो। तुमने मेरी जान हो, मैं अपनी जान की जान कैसे ले सकता हूँ मेरी बुलबुल। देखो सरोजनी, मन भावनी, मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ सिर्फ आज की रात। कल सुबह अगर तुम दुल्हन के रूप में सच के मेरे सामने नहीं आई तो तेरे सामने मैं तेरे इस डिंबक का, इस पर कटे तोते का सर काट के देवी के चरणों में चढ़ा दूंगा। अरे कायरों के कायर, तू क्या, तेरे बाप दादा भी नरक से निकल कर तेरी मदद को आए तो भी तू मेरा बाल बंका नहीं कर सकता। आम हो, इस कुकरू को गुफा में ले जाओ और कल सुबह के लिए इसकी बलि का प्रबंध शुरू करो। ले जाओ। छोटे गुरु, इस पर नजर रखिएगा, ये बड़े गुरु की आज्ञा है, कल सुबह इसकी बलि दी जाएगी। ओम हो। वाह 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 भयंकर जी, वाह, मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। आ गया, आ गया। धोखे लाल, मेरे गुरु की गर्दन काटू? क्या समझकर मेरे गुरु की गर्दन काटी थी? गाजर मूली है, है?
रामू रामू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं इन लोगों में ना एकदम अकेला फंस गया था। प्यारे बंधु, मैं जानता हूँ कि मेरी बेवकूफियों की वजह से हमारा आसमान फट गया और हम लोग फंस गए, और उधर राजकुमारी पे भी अत्याचार हो रहे, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। क्या तुम सच्चे दिल से कह रहे हो? अपनी माँ की सौगंध। हट, चुप, बकवास बंद करो। देख चंपानी, जिद मत कर। जूता मैं लूंगा, शाल तू लेगा। हट, सामर खाटे, तू जिद मत कर। जूता मैं लूंगा, शाल तू ले ले। रामू तुम कहाँ हो? रामू! रामू तुम कहाँ हो? रामू! सावधान, सावधान, मनुष्य की बू आ रही है। हम उसको खाएंगे। नहीं, मनुष्य की जाति बहुत बुद्धिमान होती है। हम उसको बुला के समस्या हल कर लेंगे। मंजूर? मंजूर। ओ, 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 मिल गया रामू, मिल गया। अच्छा तो मेरे दोस्त, आपने ये जगह चुन के रखी है? मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। अगर तुम्हारी खोपड़ी में थैली भर भेजा है तो हम तुमको नहीं खाएंगे। आज भेजा भेजा है, मैं आज भी कहूँ सर से पाओ तो भेजा भेजा हूँ, लेकिन मेरे भेजे के लिए आपको किसने भेजा राक्षस भाई साहब? देखो ये जूते हैं, इनको पहनने वाला आदमी पल भर में अपनी मनचाही मंजिल पे पहुंच जाता है। और ये शाल है, इसको जो पहनेगा वो लोगों की नजरों से गायब हो जाएगा। ये दोनों चीजें हमने मिल के पाई है, अब इन्हें हम आपस में बांट लेना चाहते हैं। अब तुम न्याय करो कि किसको क्या मिलेगा। फैसला तो मैं चुटकी बजाने से पहले कर सकता हूँ, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ये दोनों चीजें जादू की हैं? ये तो जूता है, जूता जो पांव पे सिर्फ इसलिए पहना जाता है क्योंकि कांटा ना चुभे, और ये तो शॉल है इसलिए ओढ़ी जाती है क्योंकि सर्दी ना लगे। तुम्हें इनकी ताकत पर शक है, तुम इसे पहन के आजमा लो। पहन लो, पहन लो। चलो उस पेड़ तक चलो। बस मुझे उसी जगह पे ले चलो, चलो। इस उड़ू यात्रा का मजा आ गया। अब बोल तेरा क्या फैसला है? फैसला अभी कैसे सुना सकते? तो पहले जरा मुझे शॉल को तो आजमाने दो। ये ले शॉल। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं नहीं। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। मैं मेरे दोस्त से मिलकर जितनी जल्दी हो सके वापस नहीं आऊंगा, और तुम दोनों को तुम्हारी चीजें फौरन कभी नहीं लुटाऊंगा। जय बजरंग बली, जय। नहीं तेरे कारण, नहीं तेरे कारण, नहीं तेरे कारण। पानी पिला दे वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, एक तो बंधा हुआ है, प्यास से मर रहा है और मुझको ही धमकी दे रहा है, है? अच्छा अच्छा अच्छा, तुझे पानी चाहिए ना? आजा आजा, पी ले पानी, आजा 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 जादू मंत्र तू कहां से सीखा? पानी पिएगा? पानी। तो है ना रामू, जरा पानी पी ले। आराम से रामू, आराम से रामू। ए भाई, ए भाई,
एक नजर इधर भी, ये रस्सी ही। अरे तुम पर नजर डालने की क्या जरूरत है, कल सुबह तो तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। जाने जानो मान, चंचल अपने किए पर बहुत पछता रहा है, शर्मिंदा है, खुल दे इसे। ये पछता रहा है? खोल दिया। अरे हनुमान, तू यहाँ पहुंचा कैसे? इन दोनों की मदद से, ये जादू की शॉल और ये जादू के उड़ाऊ जूते। ये उड़ो। रामू किधर गया? रामू दिखाई नहीं देता। रामू चिल्लाओ मत, रामू यही है, यही तो शॉल का कमाल, उसको उड़ते ही आदमी गायब हो जाता है। रामू तुम लोग जादूगर पर नजर रखो, मैं राजकुमारी के पास जाता हूँ, हमें सबसे पहले वो मूर्ति हासिल करनी होगी, उसके बाद वो हमारा कुछ। अरे नहीं बाबा नहीं, वो जादूगर तो मूर्ति के बगैर भी जादू कर सकता है, एक दफा आम फट बोलता है सब कुछ फटाफट हो जाता है। तो फिर तुम लोग सबसे पहले ये मालूम करो कि उसकी शक्ति का राज क्या है। हाँ मैं चलता हूँ। मेरे रामू नहीं हो, मैं जानती हूँ, जब तुम अपने जुल्म से मुझे नहीं अपना सके तो मेरे रामू का रूप धारण करके आ गए। होश में आओ इंदु, क्या तुम अपने रामू को नहीं पहचानती? मैं ही तुम्हारा रामू हूँ, ये देखो कोड़ों के निशान जो जादूगर ने मुझ पर बरसाए हैं। विश्वास नहीं आता राजकुमारी, तो तुम ही बोलो कि मैं क्या बोलूं, सच बोलूं या झूठ बोलूं। रामू इंदु छोटे गुरु बड़े गुरु गुस्से के मारे लाल पीले हो रहे हैं, भयंकर जी आपको फौरन बुलाया है। उनको कंगी करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए आप दोनों का इंतजार है। आज बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया, अब इतनी ताकत आ गई है कि एक मांत्रिक तो क्या 100-100 मांत्रिकों को खत्म कर सकता हूँ। इसे भी खाने नहीं, 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 नहीं तो जादूगर को शक हो जाएगा कि फूल जैसी तो राजकुमारी है, इतने ढेर सारे फल कैसे खा गई। लगता कोई आ रहा है, तुम ही शाल ओढ़ लो। मेरे प्यारे मित्र तुम कहाँ हो? हटो दुष्ट, मैं तुमसे ब्याह नहीं करूंगी। ये क्या पागलपन है, मैं हूँ हनुमान। मेरा दांत। अरे नहीं नहीं इंदु, ये सदा जप्पा नहीं, अपना हनुमान है। ओ रामू, मैंने पाताल भैरवी की मूर्ति हर जगह तलाश की लेकिन कहीं नहीं मिली, पता नहीं वो मांत्रिक का बच्चा उसे कहाँ छुपा कर रखता है। वो मूर्ति हमेशा अपने पास अपने कमर में बांध कर रखता है। गुरुजी, आप में सुंदरता तो बहुत है किंतु उस पर भयंकरता इतनी चढ़ी हुई है कि आपकी सुंदरता दिखाई नहीं देती। आप? क्या मतलब? मतलब साफ है गुरुजी कि आपकी दाढ़ी, आपकी दाढ़ी में तिनका, मेरा मतलब है सफेद बाल। खबरदार जो हमारे उपकेश को हाथ लगाया तो। क्यों गुरुजी, ऐसी कौन सी खास बात है आपके उपकेश अर्थात आपकी दाढ़ी में? भयंकर भूल गया तू क्या? मेरी सारी शक्ति मेरे दाढ़ी के बालों में लटकती है। ये बात है, तब तो जरूर गड़बड़ है। क्या? ऐसा है कि जब कल मैं राजकुमारी का श्रृंगार करने गया था तो वो एक बात कह रही थी। क्या क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मांत्रिक जी तो रामू से ज्यादा सुंदर है। क्या बात करता है? आपके उपकेशों की सौगंध, कह रही थी कि आपकी तुलना में रामू कुछ भी नहीं।
रुक मत भयंकर, बोलता जा बोलता जा। वो कह रही थी कि मैं तो केवल उनकी परीक्षा ले रही हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। सच? मुझ? मुझ? किंतु कोई संदेह है क्या? संदेह है प्रभु, वो कह रही थी कि आप रामू जितने चिकने नहीं हैं। मतलब मेरी दाढ़ी का ये सफेद बाल उसको दिख गया क्या? हाँ प्रभु दिख गया। मतलब सारा मामला मेरी दाढ़ी की वजह से अटका हुआ है? हाँ प्रभु अटका है। भयंकर साफ कर दे इस दाढ़ी को, एक बाल न बचने पाए, मुझे कामदेव की तरह सुंदर बना दे ताकि राजकुमारी आकर बेल की तरह मुझसे चिमट जाए। ये भयंकर नहीं अपने चंचल है। आम हा हजामत करके आ गया हूँ। किसकी? अरे उसी आम फट की, उसकी दाढ़ी के अंदर उसकी ताकत है ना सारी, उसकी दाढ़ी के अंदर उस तरह का झाड़ू फेस गया। तुम जल्दी तमाशा लौट लो और तमाशा देखो। सोया है बुलबुल मेरा, जागेगा जागेगा। इतने सुंदर है हमारे तांत्रिक महाराज जैसे दूध में नहाया हुआ चांद। राजकुमारी जी, हमारे महाराज आपसे मिलने आए हैं। आप? ओए आप, राजकुमारी जी, ऐसे सुंदर मांत्रिक जिन्हें दुनिया देखने के लिए तरसती है, ओए आप, आपको देखने के लिए आए हैं। मैं मर्द होकर भी इनकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया हूँ कि जी चाहता है उड़ कर जाऊँ और आपको अपनी बाहों में लेकर चूम लूँ। मैं भी आपको अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या है, मुझे आपकी दाढ़ी से बड़ी चिढ़ है। हाँ। अरे दाढ़ी तो कब की साफ हो चुकी है मेरी बुलबुल, हमने प्रेम की देवी पर दाढ़ी के साथ साथ अपनी मांतिक शक्ति की भी बलि चढ़ा दी। अब तो चादर हटाओ, अपना चेहरा दिखाओ मेरी बुलबुल। देखिए राजकुमारी जी, अगर आप इसी तरह शर्माती रहेंगी, आपको देखने के इंतजार में मांत्रिक जी की दाढ़ी फिर से बढ़ जाएगी। अच्छी बात है, तो करीब आइए ना मेरे दिल के राजा। गुरु शर्माते क्यों हो, जाओ ना। आम और करीब आइए ना, और करीब। आ गया मेरी बुलबुल। पाताल घर भी आपके ही पास है ना? हाँ, मेरे पास यहाँ सुरक्षित रखी है मेरी बुलबुल। मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ ना, इसीलिए आपकी सुरक्षा और दोनों के फायदे के लिए पूछी हूँ। छोड़िए न स्वामी, अब मुझसे आपकी जुदाई नहीं सही जाती, जल्दी आइए ना। तो ये तेरी चाल थी, तू समझता है कि मैं अपनी दाढ़ी कटवा कर अपनी शक्ति गंवा बैठा हूँ? कभी नहीं, मेरे पास वो शक्ति है जिससे मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। Thank you.
पाताल भैरवी। माना, बोल क्या इच्छा है तेरी? देवी माँ, इस महल को उज्जैन पहुंचा दो। तथास्तु। इंदु, इंदु बेटी। पिताजी। कैसी है तू? माँ, बेटी इंदु। महाराज, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। आपकी बेटी राजकुमारी इंदुमती आपके हवाले कर दी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। रुक जाओ राम, एक बात बोलूं। फरमाइए। सच बोलूं या झूठ बोलूं? आप झूठी बोलिए महाराज। तो सुनो, राजकुमारी इंदुमती हमारी बेटी नहीं है। पिताजी। महाराज। अब वो तुम्हारी पत्नी है। बेटा रामू। अरे चाची आ गई। हे भगवान, मैंने तुझसे एक सीधा साधा बेटा मांगा था, मगर तुमने उसे महाराज बना दिया। महाराज? हाँ चाची, ये राजकुमारी के वर और उज्जैन के होने वाले महाराज है। माँ। बेटी। बेटी। जय पाताल भैरवी। मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? देवी माँ, मानव की कामनाओं और मांगों का कोई अंत नहीं होता, लालच उसे और बढ़ा देता है। मानव की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी दिलेरी और हिम्मत। ये शक्ति मानव में खुदगर्जी और अहंकार भर देती है, जो बर्बादी को जन्म देती है। इसलिए मूर्ति और अपनी शक्ति वापस ले लो और हम सबको आशीर्वाद दो। देवी माँ, मेरी भी एक विनती पूरी कर दीजिए। देवी माँ, जो लोग हमारी ये कहानी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और वो जाके जिन जिन लोगों को हमारी कहानी सुनाएंगे, उन सबका कल्याण कर दीजिए। देवी माँ, उनको सुखी रखिए, उनकी मन की हर इच्छा पूरी कीजिए, उनके दुख दर्द दूर कीजिए। तथास्तु।